वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी शैल स्टडी फिनाइल कीटोन्यूरिया आर पी के यू, अ जेनेटिक डिजीज इन ह्यूमन बींग्स. एक जेनेटिक डिजीज आ जहाँ पेरेंट्स का चिल्ड्रंस ना ट्रांसफर थी थे. अज अस उन स्टडी कहे तो वह आए फिनाइल कीटोन्यूरिया उन काजेस कड़ा ए खास करे साइंस सिम्पटम्स कड़ा आखिर में कड़ा प्रिकॉशंस वटजन या ट्रीटमेंट दिजे तो जो इन डिजीज का ह्यूमन बींग्स के बचाए सके. तो अज अस ये डिजीज स्टडी कह पे तो इनके एक्सप्लेन कहे फिनाइल कीटोन्यूरिया आए शाम. फिनाइल कीटोन्यूरिया आर पी के यू अ जेनेटिक डिजीज एंड विच अफेक्टेड पर्सन इज अनएबल टू ब्रेक डाउन एसेंशियल अमाइनो एसिड कॉल्ड फिनाइल एलेनाइन. एक जेनेटिक डिजीज आ मन वह डिजीज जो इनहेरिटेड है जैम अफेक्टेड इंडिविजुअल में ये समझो एक एसेंशियल अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनाइन उन्हें ब्रेक नथा कन ए जैसे उसे ब्रेक नथा थन तो वे घने मिकदार में क्वांटिटी में स्टोर था थन ए उसे डिजॉर्डर पैदा था कन डिजीज पैदा था कन प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स में पैदा था कन खास करे जैसे ही अकम्युलेट इन लार्ज अमाउंट दे विल अफेक्ट द ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उनके अफेक्ट करना है ए अफेक्टेड इंडिविजुअल इज मेंटली रिटार्डेड होना है वो मेंटली एक्टिव न होना है तो अस उन डिजीज के चंदे फिनाइल कीटोन्यूरिया. हाँ फिनाइल कीटोन्यूरिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजॉर्डर मन अदर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजॉर्डर ऑटोसोमल मीन्स अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स उन अलग जी समझो सोमेटिक सेल्स जी बॉडी सेल्स जी क्रोमोसोम्स उन डिजीज है ए खास कर मन छा रिसेसिव डिजॉर्डर तो उन ट्रांसफर तो थे तो अलील डॉमिनेंट है रिसेसिव द रिसेसिव अलील जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन वो कैरी तो करे डिजीज के वो काज तो करे डिजीज के. हाँ जी ये अस पेरेंट्स खाया उन्होंने क्रॉस था करा हाँ एक पी डॉमिनेंट बो ए जी रिसेसिव अलील हाँ इन क्रॉस था करा ये बी शरियर्स इन डिजीज ज फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज जहाँ डिजॉर्डर जहाँ ये कैरियर्स हैं. हाँ जैसे इन क्रॉस थे पी एडा आई पी एडा तो ये जो रिजल्टेड इंडिविजुअल है हाँ यो इन में का भी डिजीज ना है वरी ये पी एडा खी ये बो क्रॉस जैसे किया तो पी ए दिस इज द कैरियर ऑफ द डिजीज. हाँ इन में मन डिजीज तो नी थे पर यो कैरियर ऑफ डिजीज है. वरी सेकंड क्रॉस आए पी ये समझो तो डॉमिनेंट बो ए रिसेसिव है तो हि भी शायद हि भी कैरियर है पर इन में ये समझो डिजीज शो नी थे बाकी जी बी रिसेसिव अलील दिस पेयर विल कॉज द डिजीज या डिजीज कहना जैसे अस फिनाइल कीटोन्यूरिया चंदा थे जैसे दौरान अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो फिनाइल एलेनाइन जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनके ही ये समझो तो ब्रेक न कर सकता टोड़े न सकता जो एनर्जी मिले. हाँ इन काजेज ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन द फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोलेस एंजाइम इज नॉट सिंथेसाइज. हाँ इन जो मेन काज है एक समझो तो वन जीन ए वन एंजाइम हाइपोथेसिस है तो ये एंजाइम्स एक ये समझो कैटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन कैटलाइज के दौरान थे ये समझो तो एंजाइम आ फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोलेस एंजाइम वह बॉडी नी चाहे उनके बॉडी सिंथेसाइज नी करे उनमें ये समझो जीन म्यूटेशन थी थे उनमें जैसे म्यूटेशन थी थे बॉडी नी चाहे बॉडी नी चाहे तो यह डिजीज एक सेंड्रोम आ डिजॉर्डर आ काज तो थे ए रिजल्ट में छा तो थे जैसे ये समझो तो मोर फिनाइल एलेनाइन इज स्टोर्ड इन बॉडी मन घने दिसो ना तो वह एंजाइम ही ना जी इनके टोड़े विड्रा कर एनर्जी प्रोवाइड कर जिसम के जैसे वह टोड़े ही नी तो स्टोर थी तो वे रिजल्ट में जैसे ही स्टोर थी तो वे जैसे लार्ज अमाउंट में खास करे वेन
phenylalanine is accumulated in body, then it will cause or create disturbance in CNS, central nervous system, जो brain है. घड़े में दारा में जाने पर phenylalanine, amino acids store थी तरह तो ये brain affect आकर, वो individual जो क्या है mentally retarded होता, nervous problems होना है ना साम. घड़े मिगदार में जने मन बॉडी में वो घड़े जने मिगदार ट्रांसफर बॉडी में ट्रांसफर थी करे ये मूव करे ट्रांसपोर्ट करे ना दिमाग में दिमाग के ये मेंटली रिटार्डेड करे चली ना है ना सिम्टम्स पहली ये इस नर्वस प्रॉब्लम मन जो ब्रेन आए सीएनएस आए ही उनके अफेक्ट करना ऐ वो जहनी तौर ये समझो एक्टिव अजाइल इंडिविजुअल ना हो जो अफेक्टेड हो सेकंड आए स्टिंग स्मेल इन स्किन ब्रीथ आर यूरिन ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल जो अफेक्टेड इंडिविजुअल आए उन्हें वात में स्मेल ईंदी आहे या उनकी स्किन में या वो जॾहिं साहु खणे थो उनमें हिकिड़ी मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी स्मेल ईंदी आहे उहा स्मेल बि इनजे करे ईंदी आहे त उन में ई अकम्यूलेट थो थी वञे अमाइनो एसिड कहिड़ो फिनाइल एलानाइन थर्ड इन सिम्पटम इट विल कॉज डिफिशंसी ऑफ मेलानिन पिगमेंट देन लाइटर स्किन हेयर आर आइस कलर हाँ यह जो फिनाइल एलानाइन है ये जो एंजाइम है माना ये फिनाइल एलानाइन जैसे ब्रेकडाउन कह तो ये कह सपोर्ट कहे इन द सिंथेसाइज ऑफ मेलानिन पिगमेंट माना उनके कर डिफिशंसी थी थे जैसे प्रॉपरली उनकी ब्रेकडाउन नी थे ना तो जिसम में थे ये समझो मेलानिन पिगमेंट वो सिंथेसाइज नो थे सिंथेसाइज जैसे नो थे उनकी डिफिशंसी थी थे तो उन अफेक्टेड इंडिविजुअल कलर लाइटर आई समझो वार हेयर उन कलर है ना वो लाइटर है तो यो भी इन सिम्टम है हाँ डिजीज के फिनाइल कीटो न्यूरिया जो इनहेरिटेड डिजीज है इनके हाँ अस कड़ा एहतियात वो प्रिकॉशंस वो या उनकी ट्रीटमेंट है उनकी सिंपल एक ट्रीटमेंट है लो प्रोटीनेशियस डाइट माना जो खाधो खाए उन खास करे खादे में जो लो प्रोटीनेशियस है उनमें ये समझो तो जो फिनाइल एलानाइन अमाइनो एसिड न होजन घर न होजन तो सेहतमंद रही सके तो सेकंड है एंजाइम इंजेक्शन या तो ये जो एंजाइम है फिनाइल एलानाइन ये समझो तो हाइड्रोलेस एंजाइम है उनकी इंजेक्शन कहना अथरादो तौर सिंथेटिक वे में आर्टिफिशियली तो जो वो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो फिनाइल एलानाइन अमाइनो एसिड के एसेंशियल आयन मंजड़ा कर सके उनके एनर्जी मिली सके थर्ड है सिंथेटिक डाइट फ्री ऑफ फिनाइल एलानाइन सिंथेटिक डाइट चो हथरादो हथरादो डाइट हो उन डाइट में फिनाइल एलानाइन जो ये समझो एक प्रोटीन्स हों जिनमें अमाइनो एसिड्स प्रोटीन चाहें ये समझो अमाइनो एसिड्स जहाँ एक मालिक्यूल्स हैं अमाइनो एसिड्स गंजी कर मालिक्यूल्स चाहता प्रोटीन तो वो सिंथेटिक डाइट हो फ्री ऑफ फिनाइल एलानाइन होने जरिए बची सके तो पर घड़े कदर ये समझो जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो इन में डेवलप नो ये समझ इन डेथ थी वी है जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो ये फिनाइल कीटो न्यूरिया या पी के यू एक जेनेटिक डिजीज आ डिसऑर्डर आ जो इंडिविजुअल के जैसे अफेक्ट करे तो मन उन पेरेंट्स का जैसे उनके ये समझो तो एबनॉर्मल थी मिले थी तो वो फिनाइल एलानाइन अमाइनोसिस जी ब्रेकडाउन न कर फिनाइल एलानाइन जी ब्रेकडाउन न कर सकता तो वो अकम्यूलेट है सजे सिस्टम के डैमेज कर छीन तो ये लेक्चर जो है असो फिनाइल कीटो न्यूरिया में पूरा थो ए नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ा सिकल सेल एनीमिया डिजीज है अस उन स्टडी कर आखिर में मुझे इन लेक्चर के लाइक कर कमेंट कर खास कर मुझे चैनल के सब्सक्राइब कर थैंक यू वेरी मच.